और जोर से, और जोर से, नीचे से पैरों से जोर लगाओ, देखो दांत ना भारा जाए। ओहो मम्मी, आपको नानी जी बुला रहे। शाबाश शाबाश। ओह अजाब गजाब घर जमाई। हे दुर्गा मैया, मेरी मैया को बचाना। हे कुंज बिहारी, मेरी मैया को बचाना। हे हनुमान जी, मेरी मैया को बचाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैया की सांसें तो चल रही हैं, मतलब मैया एकदम ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैया, आपको किसने कहा था ये साड़ी पहनने के लिए? अब साड़ी बदलिए, दूसरी साड़ी पहनिए ना। सुंदरी, क्या हो गया है तुम्हें? हमें कोई नहीं कहता है कि ये साड़ी पहनो, हम खुद अपनी मर्जी से साड़ी पहनते हैं। और इस साड़ी में क्या खराबी है बेटा? मैया, खराबी ही खराबी है। आपको पता है, हमने एक बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा कि आप अपने कमरे में बेहोश पड़ी है, और उस सपने में आपने यही साड़ी पहनी थी। मैया, अब बेटा जरूरी नहीं कि हर उल जलूल सपना देखो वो सच हो जाता है। मैया, ये सपना उल जलूल कैसे हो सकता है? आपको पता है, वो सपना हमने सुबह सुबह एकदम भोर में देखा। आपको तो पता है ना मैया, कि सुबह सुबह का सपना सच हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। मैया, वो कुछ बुरा नहीं होगा, तुम घबराओ मत। जाओ अपना काम करो, और हमें भी अपना काम करने दो, हमें तैयार होने दो, हमें जाना है दुकान पे। मैया लेकिन, अरे बेटा सुंदरी जाओ। अरे राम प्रसाद जी, देखो अगर ऑर्डर पूरा नहीं हुआ ना, तो आप तो मरोगे मरोगे, साथ में मुझे लेके मरोगे आप। लेकिन चिंटू जी, माल तैयार होने में वक्त तो लगेगा ही ना, आज नहीं हो पाएगा। अरे राम प्रसाद, बात समझ में नहीं आ रही है क्या? एक घंटे के अंदर अंदर नानी जी दुकान पे पहुंच जाएंगी, फिर उसके बाद पता है आपको ना है क्या होगा? नानी जी को जानते नहीं हो क्या आप? ऐसे ना पूरे रसगुल्ले की तरह चबा जाएंगी। बहुत डर लग रहा है चिंटू जी, कुछ भी करके नानी जी को आज के दिन दुकान पर आने से रोक लीजिए। चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। ठीक है, राधे राधे। चिंटू जी, आपको इसे परेशान देख के ना हमेशा यही सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि काश हम अपने ससुराल में होते, ना ही वहाँ पे आपको कोई नानी जी जैसा सवाल करता, और ना ही आपको किसी को कोई जवाब देना होता। डॉली जी, आप ना बेकार परेशान मत हो आप भी मेरी परेशानी के साथ साथ। देखो क्या है ना, कि जब इंसान के पास काम होता है तो काम के साथ तो परेशानी होती है ना, है? तो आप परेशान मत हो। आपको ससुराल के अलावा कोई बात करनी है तो बताओ। हाँ, वैसे आज करनी है, क्योंकि मम्मी को आपसे कुछ बात करनी है। सासू माँ को बात करनी? हाँ। है मुझसे? डॉली बेटा। हाँ नाना जी। नाना जी बुला रहे हम आपको। जी सासू माँ को क्या बात करनी है? मैया खतरे में, सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकते हैं। पता आज हमने सपने में क्या देखा? क्या देखा? हमने देखा कि सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। और जोर से, और जोर से, नीचे से पैरों से जोर लगाओ, देखो दांत ना भारा जाए। ओहो मम्मी, आपको नानी जी बुला रहे। शाबाश शाबाश। ओह कुछ बोल नहीं रही थी और बेहोश पड़ी थी। कब देखा ये सपना? हमने सुबह सुबह एकदम भोर में। भोर में? सासुमा, उस वक्त के सपने तो सच हो जाते हैं। मतलब अब हमें क्या करना चाहिए? ये बताओ, नानी जी को तो नहीं बताया सपने के बारे में? हाँ, वो तो हमने बता दिया। हे कुछ भी आ रही, नहीं बताना चाहिए था क्या? हमसे कोई गलती हो गई? कुछ बुरा तो नहीं होगा ना चिंटू जमाई जी? बुरा? सासुमा, बहुत बुरा हो सकता है। हाँ ऐसा कहते हैं
जिसको सपने में देखा हो उसको सपना बता दिया जाए तो वो सपना सच होता है 100%। ये हमसे क्या हो गया? ये तो सब गड़बड़ हो गया ना चिंटू जमाई जी। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, है चिंटू चौटाला, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं सासू मां। आप बस नानी जी के साथ ना साय की तरह रहो, वो जैसे परछाई होती है ना वैसे 24 घंटे नानी जी पे नजर रखना, हैं, जहां वो जाए उनके पीछे पीछे जाना और घर के बाहर मत जाने देना उनको। फिलहाल आप सब कुछ छोड़ो, अभी ऐसे ऐसे करो, ऐसे आंखें बंद करो, हाँ। और बोलो मैया 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 मैया। बस सासू माँ यही बोलते बोलते ना आप नानी जी पे नजर रखो, जाओ निकल जाओ नानी जी के पास सीधा। मैया मैया वेरी गुड, मैया 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 मैया। राम प्रसाद जी, नानी जी को रोकने का बस फिलहाल तरीका मिल गया है। बोलो चिंटू चौटाला की जय हो। अरे सुंदरी बेटा तू फिर यहाँ? मैया वो हम ये कंघा देने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, पर हमारे ना बाल बन चुके हैं, अब यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? हमको जाने दो, हमको दुकान जाना है, बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। मैया लेकिन रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम यही खड़ी रहो, हम ही निकल जाते हैं। अच्छा नमस्कार मैया। तुम फिर यहाँ? मैया चाय लेंगे आप? अरे बेटा कितनी बार चाय पिलाओगी, इतनी चाय पी के हमें एसिडिटी हो जाएगी। ये बेटा कुछ नहीं होगा हमें, वो सपना था, जाओ जाओ अखबार तो चैन से पढ़ने दो, जाओ बेटा। जी मैया। सासू माँ हिम्मत मत हारो, आप लगी रहो क्योंकि आप ही से होगा, आप ही से होगा, आंखें बंद करो। मैया 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 मैया। ये नानी की फेवरेट गर्ल। अरे बेटा ये क्या हो रहा है? मैया वो हम देख रहे थे कि खाने में किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं है। ओहो बेटा ये हमारा अपना घर है, यहाँ कौन क्या मिलाएगा, कोई दुश्मन थोड़ी रहता है यहाँ। हाँ पर मैया वो सपना हमने एकदम सुबह सुबह देखा था। बेटा फिर वो सपना? वो सपना था, बीत गया, भूल जाओ उसे, हमें खाना तो दो बेटा चैन से। जी मैया खाइए। अरे राम प्रसाद जी हुआ है, ऑर्डर क्या पूछ रहा हूँ, ऑर्डर हुआ नहीं पूरा। अरे आपके बात समझ में नहीं आ रही है क्या, हैं? नानी जी को रोकना आसान बात है, नानी जी को रोकने का मतलब है सुनामी को रोकना, और सुनामी ज्यादा देर तक रुकती नहीं है, भाग के ले जाती है सब कुछ अपने साथ। कम से कम आज तो रोक ही लीजिए चिंटू जी, वरना हम दोनों की सेहत बिगाड़ देंगी वो। राम प्रसाद जी आप क्यों नहीं हाथ चला लेते हो, हैं? हाथ चला लो ना अपने, जल्दी से ऑर्डर पूरा करो, आपके भी समझ में नहीं आ रही है बात। आपको पता है ना नानी जी को जानते हो ना आप, राम प्रसाद जी दोनों राम को प्यारे हो जाएंगे अगर टाइम पे ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो। आप ऑर्डर पूरा करने की कोशिश करो, मैं नानी जी को रोकता हूँ, पर ज्यादा देर रुकने वाली नहीं है वो, फिर भी कोशिश करता हूँ, रोक लूंगा नानी जी को। झूठ और फरेब से जो जितनी ऊंचाई पे खड़ा होता है ना उसे एक ना एक दिन जरूर नीचा देखना पड़ता है। लाडू भाई आपकी तो पतंग कटी समझो। अगर अभी नानी जी को नहीं रोक पाई ना तो समझ लो सपने को सच होते हुए एक सेकंड नहीं लगेगा, पैर घर के बाहर, और उसके बाद हे भगवान आके प्यारी मैया 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 मैया। रुक जाइए मैया, अपने ये बड़े कदम रोक लीजिए, आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ
क्या हो गया सुंदरी बेटा, तुम हमारी बेटी हो, इतनी डर रही हो? और ये क्या चाबी वाली गुड़िया की तरह एक ही चीज रटे जा रही हो? अरे हम तो बाहर जाएंगे बेटा, पहली बार बाहर जा रहे हैं क्या? ठीक कहा नानी जी आपने, आज से हम आपके बॉडीगार्ड हैं। अपनी ड्यूटी के अलावा ना ही हमें कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। आज से हम आपके अंग रक्षक हैं। महान बेटा, पहले अपने अंगों की रक्षा करना सीखो, फिर हमारी रक्षा करना। रहने दो मैया, आज चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी जान पे खेल जाएंगे, लेकिन आपको जान नहीं देंगे बस। सुंदरी बेटा, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? मैया आपकी बच्ची तो है ना। बेटा हमारी बच्ची तुम हो, लेकिन तुम्हारी भी एक बच्ची और इतनी बड़ी है। हाँ मैया वो तो ठीक है, लेकिन मैया हम हाथ जोड़ते, हमारी खातिर मत जाइए। ठीक है हमारी अम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे। हाँ अपने कमरे में जा रहे हैं। कान खोल के सुन लो, खबरदार जो हमारे कमरे में आई, आई ना तो तुम्हारे हाथ पैर बांध के ना, याद है ना बचपन में क्या करते थे, वही करे। आज तो रोक लिया मैया को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अजब गजब घर जमाई। ये बांके बिहारी, तुम फिर से अवतरित हो गई? आप क्या चाहिए? मैया वो ये कैलकुलेटर हिसाब किताब के लिए। वाह बेटा वाह, कितना बढ़िया काम किया। लाओ, अरे लाओ दे दो ना हमको, दे के चलती बनो जाओ। अरे वही खड़ी रहोगी कि ला के दोगी हमें? सासुमा की जय हो, नानी जी की भी जय हो। ये लो नानी जी, इतना आसान काम है मैंने कर दिया। नानी जी गुस्ताखी माफ, लेकिन बैठ जाऊं क्या? अरे बैठो ना बेटा, वहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ बैठो हमारे बगल में। नहीं नहीं वो पास बैठने में भरोसा नहीं है आपका, कभी भी कुछ कर दो आप। किस लिए तशरीफ लाए? चिंतित देख रहा हूँ आपको सुबह से, कोई परेशानी है? तुम तो ऐसे कह रहे हो बेटा चंट, हमारा मतलब है बेटा चिंटू कि तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है कि तुम घुमाओगे और हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, है क्या? अरे क्या तुमने भी तो सुंदरी की तरह सपना तो नहीं देख लिया, अपना सपना सुनाने तो नहीं आए? सुंदरी के सपने ने तो परेशान करके रख दिया हमें। मेरी तो आत्मा तृप्त होगी नानी जी, आंखों से बस आंसू गिरने ही वाले हैं। आज तक मैंने नहीं देखा ऐसा माँ बेटी का प्यार, क्या प्यार है, अनोखा प्यार। खैर वैसे मैं कौन होता हूँ माँ और बेटी के बीच में आने वाला जमाई। चलो इस बात का तुम्हें खुद ही एहसास हो गया, और हम वैसे अच्छी तरह जानते हैं कि फ्री फंड में तो तुम कुछ कहने वाले हो नहीं। नहीं नहीं नानी जी, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। नानी जी मैं जब किसी आदमी को बहुत परेशान देखता हूँ ना, तो बस उसकी दुख की आग में मैं अपना हाथ डाल देता हूँ, फिर उसके बाद मेरा हाथ जले चाहे झुलस जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस उस दुखी आदमी की मदद करने के लिए उसको कुछ भी देने को हमेशा तैयार रहता हूँ। हमें अच्छी तरह से पता है चिंटू कि तुम देने के नहीं लेने के चक्कर में रहते हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी नजर कई दिनों से हमारी गाड़ी पर है। वो तो भूल जाओ चिंटू बेटा, गाड़ी तुम्हें मिलेगी नहीं, लेकिन हम सोच सकते हैं तुम्हें गाड़ी देने के लिए कभी कभी चला लो, एक शर्त। हाँ हा, हा, बताओ। ये जो सुंदरी के ऊपर सपने का भूत है ना, उसको उतार चिंटू, हम सोच सकते हैं। उतार देंगे नानी जी, भूत मैं कह रहा हूँ ऐसा झाड़ा लगाऊंगा, बस आप चिंता मत करो। शाबाश, आप तो बस आशीर्वाद दे दो मेरे को, हैं नानी जी की जय हो। नानी जी देखो मेरे पास एक प्लान है सासू माँ के सर से ये भूत उतारने का, और आप उसका सबसे अहम हिस्सा हो, आप ईमानदारी से अपना पार्ट अदा करना। तैयार है बेटा? और घर से बाहर नहीं जाओगी आप? घर से बाहर कैसे जा पाएंगे, अरे वो सुंदरी खड़ी होगी ना दरवाजे पर। नहीं मैया मत जाओ, ठीक है यहीं रहते, पर वो भूत उतारो भाई। हाँ, परेशान कर दिया, ऐसा झाड़ा लगाऊंगा बस नानी जी की जय हो। हाँ। देखती जाओ बस। क्या कर रही हो बेटा, ये सर दर्द हो रहा है उसकी दवाई है, इसे भी चखोगी क्या?
धन्यवाद मैया। नहीं नहीं, देख लो देख लो देख लो, शायद कुछ मिला दिया हो किसी ने, ठीक है देख लो। जी मैया, ये एकदम सुरक्षित है, अब आप इसे पी सकती हैं। जी धन्यवाद। जाओ बेटा, सर दर्द की गोली खाई है हमने, हाँ तो थोड़ा उसको असर होने दो, जाओ। जी। हाँ बोलो। सारा काम हो गया चिंटू जी, अब ऑर्डर पूरा हो जाएगा, टेंशन खत्म। बेटे की जान, सही काम हो गया तो ऑर्डर पूरा हो गया तो, पर टेंशन आपकी खत्म हुई है, मेरी थोड़ी खत्म हुई है, हैं? चलो राम प्रसाद जी, आप लो मौज। क्या करूं सपने का, सासू माँ, कोई नहीं, मैया मैया। बेटा चिंटू, वैसे तो तुम बहुत होशियार बनते हो, लेकिन छोटे छोटे कामों में अटक जाते। नानी जी, चिंटू चौटाला ना कभी नहीं अटका है। और आप मेन बात सुनो, आप ये जो सासू माँ ने सपने का वहम पाल रखा ना, उनको उनके वहम से बाहर निकालने के लिए चिंटू चौटाला के पास एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो इसका मतलब है कि अब आप हमें डायरेक्ट करेंगे साड़ू भाई? लेकिन एक बात ध्यान रखिए साड़ू भाई, हम किसी नए डायरेक्टर के साथ काम नहीं करते। चाहिए पहले एक आध हिट फिल्म देके आइए, फिर आप हमारे बारे में सोचिएगा। बेटा ब्रेक तुम्हें बाद में देंगे, देंगे जरूर। और तुम जहाँ तक डायरेक्शन की बात कर रहे हो, कभी ये सोचा कि हमारी दुकान किस डायरेक्शन में जा रही है? हमने सुना कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था जो कि पूरा नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नानी जी, हमारी दुकान बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है और ऑर्डर पूरा हो चुका है। कैसे मान ले? नानी जी, हमारी दुकान पे ना मेरी जानकारी के बिना कढ़ाई के अंदर एक चम्मच घी की नहीं गिरती है, और मेरी जानकारी ये कहती है कि हमारा ऑर्डर पूरा हो चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि ऑर्डर पूरा हो चुका है। नानी जी, आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, है ना? आपने मुझे जिम्मेदारी, हाँ, मुझे जिम्मेदारी दे रखी है, मैं काम कर रहा हूँ। मेन बात है सासू माँ की, वो जो उन्होंने सपने का वहम पाल रखा है ना, उससे बाहर निकलना जरूरी है उनका। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने सपना देखा ना नानी जी, बिल्कुल वैसा ही सीन बना लेते हैं हम लोग। अजब गजब घर जमाई। वो जो उन्होंने सपने का वहम पाल रखा है ना, उससे बाहर निकलना जरूरी है उनका। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने सपना देखा ना नानी जी, बिल्कुल वैसा ही सीन बना लेते हैं हम लोग। वो सपना उन्होंने पूरा नहीं देखा है, आधा देखा है ना? तो उन्हें पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो हम करेंगे वो होगा। क्या आइडिया निकाला, क्या, वाह क्या बात, बड़े लाल तुम्हें काम करो, भटूरे लाओ गरम गरम। अरे मैंने थोड़ी ना सपना देखा, सपना उन्होंने देखा। हाँ, तो आप भी छोले भटूरे सिर्फ देखना। हाँ। एक निवाला मुंह के अंदर गया ना, एक हफ्ते का उपवास रखना पड़ेगा। ले आओ छोले भटूरे। लेकिन सासू माँ ने सपने में साड़ू भाई से हमें हारता हुआ कैसे देख लिया? अरे बेटा दुखी मत हो, आगे के सपने में तुम ही जीत जाना, ठीक है? हाँ तो बोलो क्या करना। नीचे से पैरों से जोर लगाओ, कम ऑन। ये हंसी की आवाजें कहां से आ रही है, कौन हंस रहा है? पैरों से जोर लगाओ, कम ऑन। ये लोग तो पंजा लड़ा रहे हैं, और बाबूजी तो छोले भटूरे खा रहे हैं। कहीं हम फिर से सपना तो नहीं देख रहे? चिकोटी काटते हैं। ये तो दर्द हुआ, मतलब ये सपना नहीं है। मम्मी। हाँ नानी जी बुला रही है आपको। भैया। हाँ।
समझ में आ रही है। मैया 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 बैठे बैठे ऐसे कैसे बेहोश हो गई मैया मैया उठिए ना मैया उठिए ना मैया बेटा उठ गया मैया आप तो बिल्कुल ठीक है मैया देख लो सासुमा हैं नानी जी फर्स्ट क्लास है एकदम कुछ नहीं हुआ हम बिल्कुल ठीक है देख लिया ना मैया वो नीचे हमने बिल्कुल वैसा सब देखा जैसे सपने में देखा था बिल्कुल हूबहू हाँ बेटा हूबहू देखा ना और लेकिन हमको भी देख लो हूबहू हम तो बिल्कुल ठीक है मैया लेकिन हमें आपकी चिंता हो रही थी ना वो सपने में हमने कोई बात नहीं बेटा अब अपनी चिंता पे ब्रेक लगाओ तुमने देख लिया कि हम ठीक है और सपनों से कुछ नहीं होता बेटा इंसान के कर्म से होता है वो जैसे कर्म करेगा वैसा ही होगा जी मैया वैसे आप बात तो सही कह रही हैं मैया हमें माफ कर दीजिए ना हमने आपको सुबह से बहुत तकलीफ दी ना बहुत परेशान किया ना कोई बात नहीं हम जानते हैं कि तुम हमें बहुत प्यार करती हो इसलिए सुबह से नानी जी दूसरी बार आत्मतृप्त हुई है ऐसा माँ बेटी का प्यार वाह 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 निहाल हो गया नानी जी मैं तो इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए अच्छी बात हुई है मीठा हो जाए जलेबी लेके आता हूँ नानी जी मैं है आपके लिए और नाना जी के लिए शुगर फ्री आपकी गाड़ी से लेके आता हूँ एक मिनट आज्ञा दो नानी जी दी जाओ जलेबियां बना के सबके लिए जलेबियां लाओ और उन्हें खिलाओ लेकिन एक बात याद रखना बेटा चंद बेटा चिंटू जो गाड़ी का पेट्रोल है ना वो तुम्हारी सैलरी से कटेगा ये क्या बात हुई नानी जी घूम फिर के आपकी तलवार मेरी सैलरी पे चल जाती है लाओ वापस दे तो नहीं ठीक है नानी जी की जाओ सासू माँ की जाओ आपके प्यार के लिए तेल क्या मैं तेल के कुएं बहा दूंगा अजब गजब